हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कमाल बायोलॉजी। माय सेल्फ एमडी वर्सेस कमल स्टूडेंट, आपको ये जानकारी दे देना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी से जितनी भी क्वेश्चन आए थे फ्रॉम सी 2011 से 2020 तक के, मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन किया हूँ। और तो आज मैं इसके बाद मैं रीजनिंग स्टार्ट किया हूँ, ये रीजनिंग की सेकेंड क्लास है। तो आप मेरे चैनल पे जाइए और आराम वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो आप पूरी मेरी वीडियो को देख लीजिए, ठीक। फिर कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है CSR 2018 का क्वेश्चन है। तो जी क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, ठीक। ये सॉरी यहाँ पे जून, यहाँ पे ये जून है, ये जून का क्वेश्चन है। किसका है? जून का क्वेश्चन है, CSR नेट जून 2018 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन कहता है क्या, पहले मैं ये देख लेता हूँ क्या कहते हैं। व्हेन ए फार्मर, जब एक किसान वाज आस्क्ड एज टू हाउ मेनी एनिमल्स, मतलब जब एक किसान से ये पूछा जा रहा है कि आपके पास कितने एनिमल्स हैं, तो उसने जवाब दिया, ही रिप्लाइड दैट ऑल, सभी, बट टू वेयर कॉज, मतलब सभी एनिमल्स हैं दो गाय को छोड़ के। इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बस ऐसी सबसे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी है पर दो गाय को छोड़, दो घोड़े को छोड़ के, ठीक। और फिर बता रहा है कि सभी में है दो पीग्स को छोड़ के, ठीक। तो पूछ ये रहा है कि हाउ मेनी एनिमल डिड हैव, मतलब ये पूछ रहा है कि उस किसान के पास कितने एनिमल्स होंगे, मतलब समझ में आ रहा है। मान लीजिए हम एक रिपोर्टर हैं, ठीक, और मान लीजिए ये एक किसान है, तो हम इससे पूछ रहे कि भैया आप ये बताइए कि आपके पास कितने एनिमल्स हैं। तो ये मुझे बता रहा है, एक सीन क्रिएट करें यहाँ पे, तो ये मुझे बता रहा है कि सर सभी एनिमल्स है, पहले तो दो गाय को छोड़ के और दो घोड़े को छोड़ के, दो सुअर को छोड़ के, सॉरी दो पिग्स को छोड़ के, सभी मेरे पास एनिमल है। तो हम आपसे लोग से पूछे तो ये बताइए कि आप इसके पास कितने एनिमल्स है। समझ में आया मेरी बात है? समझ में आया ना कि देखिए ये एक फार्मर है, मान लीजिए ये एक फार्मर है और मैं रिपोर्टर हूँ, मैं इसे पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि कितने आपके पास एनिमल है। तो ये अपने अंदाज में जवाब देते कि सर सभी एनिमलों में से दो गाय को छोड़ दीजिए, दो घोड़े को छोड़ दीजिए, दो पिग्स को छोड़ दीजिए, तो इतने एनिमल्स मेरे पास है। तो हम आप लोग से पूछ रहे कि बता इसके पास कितने एनिमल्स होंगे, चलिए हम देखते हैं, ठीक। तो देखिए अब होता क्या है स्टूडेंट, कि हम पहले सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एनिमल निकालेंगे, कितना निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल, देखिए टोटल नंबर ऑफ एनिमल, ठीक। एनिमल्स को हम टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हम एक्स ले लेते हैं। अब क्या कहे टू वेयर कॉज को, अब हम टोटल नंबर ऑफ गाय निकालते हैं, कितना, टोटल नंबर ऑफ कॉज, क्या कह रहे हैं, सभी ऑल बट टू वेयर कॉज, सभी है तो एक्स में एक्स माइनस टू हो जाएगा। और अब पूछ रहा है हॉर्स क्या निकालते हैं, अब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस, ठीक। अब क्या है? इसमें हॉर्स में भी देखिए कि क्या ये रहा कि टू वेयर हॉर्सेज ऑल, तो मतलब क्या टोटल एनिमल में तो दो को छोड़ के, तो एक्स माइनस टू। अब ये पूछा, फिर पूछा ऑल बट टू वेयर पिग्स, ठीक। अब यहाँ पे पिग्स की टोटल नंबर निकाल दीजिए, टोटल नंबर ऑफ पिग्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टू इसका भी हो जाएगा। आप तीनों को हम क्या करते हैं, मैं तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो टोटल ये एक्स के वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की देखिए, एक्स माइनस टू टोटल कितना है, एक्स दिया, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स एक्स है, तो यहाँ पे ये एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स 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 कितना हो जाएगा, थ्री एक्स, और ये माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स, बस टोटल क्या यहाँ पे एक्स हो गया। अब ये एक्स इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस एक्स इक्वल, और ये माइनस सिक्स है तो हम इसको इधर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स है तो इधर आएगा तो सिक्स आ जाएगा। अब मुझे बताइए थ्री एक्स में से एक्स गया तो कितना, टू एक्स इक्वल टू सिक्स। अब एक्स अब क्या होता, अब एक्स की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं एक्स अपॉन टू, तो टू को दो छः से काट दीजिए तो तीन आ रहा है, दो तीन छः तो थ्री आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो आ रहा है, एक्स की वैल्यू मुझे आ रही है तीन ही एनिमल्स है, कितनी, तीन ही एनिमल्स। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तीन कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो तीन यहाँ पे है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी इज गलत,
सीज भी गलत और डी तो ऑलरेडी गलत ही हो गई है। ठीक, तो जो जो टोट हाउ मेनी एनिमल्स पूछ रहे थे, तो जो मेनी एनिमल्स की संख्या है वो कितनी है? 3 है। समझ में आया मेरी बात है? देखिए कुछ नहीं था, बस एक पॉइंट पे आप लोग गौर करते, आप लोग यूं ऐसे बना लेते हैं, जैसे किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऑल बट टू वेयर कॉल्स ऑल पे, ऑल बट पे, ऑल बट पे अगर आप लोग गौर करते तो आप लोग को यूं बन जाता है। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के अगर आप कंटिन्यूस वीडियो चाहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों ने चाहा था और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किए थे और शेयर भी किए थे, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी को मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था। अगर आप लोग भी चाहते हैं करिए रीजनिंग के जितनी भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अगर पूरे डिटेल एक्सप्लेन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए ना। तो चलिए अभी इस क्लास में एक ही क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ओके? तब तक आप मेरे जो भी डाउट हो क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन टैप कीजिए, ठीक, सॉरी कमेंट बॉक्स में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।